ये वही मस्जिद है जो दरिया खेरथर के बीचों बीच वाके है और मौलाना सैयद ताज मोहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मशहूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल दर्स अल आशिर, दसवां सबक। जो उस अल्लाह अज़्वजल का हो जाता है तो अल्लाह उस बंदे के ज़्यादा करीब हो जाता है, हत्ता कि सांस से भी करीब। ज़िला शिकारपुर अपनी तारीखी और सकाफती हैसियत में हमेशा मुनफरद हैसियत का हामिल रहा है। गुज़िश्ता अदवार में इल्म व फ़नून का मरकज़ भी रहने वाले इस ज़िले की हदूद काफ़ी वसी और अरीज़ हैं। पाकिस्तान के मैरज़ वजूद में आने के बाद काफ़ी हिंदू ख़ानदान इस इलाके से हिंदुस्तान मुंतकिल हो गए, लेकिन उनकी यादें इस शहर से आज भी वाबस्ता हैं। औलिया कराम और बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात से भरपूर इलाका तसव्वुर किया जाता है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि पहली बार 1994 में इस शहर की ज़ेब-ओ-ज़ीनत और गली कूचों में जाने का इत्तेफाक हुआ। उस दौर में शहर की आबादी इतनी ज़्यादा न थी, मगर आज ये शहर आबादी से भरपूर और ज़िंदगी की रानाइयों में महफ नज़र आता है। पिछले दिनों अपने शागिर्द के हमरा इसी ज़िले के एक इलाके अमरोड शरीफ जाने का इत्तेफाक हुआ। गर्मी के दिन थे। अमरोड शरीफ सैयद ताजमहल अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह की वजह से मशहूर है। आप शरीफ़ नफ्स, वलीउल वक्त और आलम दीन थे। आप कभी भी बातिल के सामने न झुके। इसी गांव में सन 1857 की जंग के बाद ताज बरतानिया के हुक्म पर एक नहर बनाने का आगाज़ हुआ। मसला ये दरपेश था कि इस नहर के रास्ते में एक मस्जिद वाक़ थी। उस वक्त की हुकूमत उस मस्जिद को शहीद करने का इरादा रखती थी और सैयद ताज अमरोटी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान कर दिया कि कुछ भी हो जाए मगर मस्जिद जहाँ है वहीं पर ही रहेगी। एक मर्द मोमिन की पहचान इससे ज़्यादा क्या हो सकती है कि अपनी जान ही अपने रब के नाम पर निशावर करते। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। दूसरी तरफ ताज बरतानिया के इंजीनियरिंग कोर ने सर धड़की बाजी लगा दी। जीत उसका मुकद्दर होती है जिसमें कोई लालच ना हो और बंदा हक पर हो। अल्लाह अज़्वजल का करना ऐसा हुआ कि मस्जिद आज तक अपनी शान और शौकत के साथ मौजूद है और जो उसे शहीद करने का इरादा रखते थे वो ना रहे और ये मस्जिद आज भी उसी दरिया खीरथर के बीचों बीच सातों ज़मीनों आसमान तक अपने रब्बे जुल जलाल के सामने मौजूद है। वल्लाह आलम बिस्सवाब। आप सबका शुक्रिया।